सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो ये दीपावली का त्योहार है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और आप जीवन में सफल हो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भाई डिस्काउंट, हम छूट कैसे निकालते हैं। भाई दीपावली का मौसम है या त्योहार है, इस पे हम बाजार के अंदर या वैसे भी हम बाजार के अंदर कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। भाई दुकानदार से हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो कहता है भाई इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। लेकिन हमें कई बार क्या होता है, वो उल्लू बना देते हैं। कई बार क्या होता है, हमें वो उल्लू बना देते हैं। तो उस उल्लू से बचने के लिए, बनने से बचने के लिए हमें डिस्काउंट के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। भाई डिस्काउंट अगर दिया है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर इसे जरूर करना। तो बिल्कुल जिनको डिस्काउंट नहीं समझ में आता है वो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है। और जिन बच्चों को मतलब डिस्काउंट या छूट क्या होती है, उसको हम कैसे निकालें, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा भाई उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं और दुकानदार की चालाकी से हम कैसे बच सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, दुकानदार किसी मतलब औरत को या पुरुष को भी उल्लू बना देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें वीडियो को और डिस्काउंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं उसका मूल्य कुछ भी हो सकता है। मान ले हमें 260 रुपए की हमने क्या खरीदा, 260 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी, 260 रुपए कितना, 260 रुपए। हम इसका क्या 10% निकालेंगे और 15% निकालेंगे और इसका 20% मतलब छूट निकालेंगे हम। इसकी क्या निकालेंगे हम इसमें, भाई हमने कोई वस्तु खरीदी थी 260 रुपए की, तो हमें 10% की छूट मिलती है उसपे, 15 की भी मिलती है और 20 की मिलती। तो हमें अगर इतनी इतनी छूट मिलती है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। भाई अगर हमें वस्तु के ऊपर 260 रुपए के ऊपर हमें 10% की छूट मिलती है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15% की छूट मिली है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 20% की अगर छूट मिलती है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हो भाई, बिल्कुल हम डायरेक्ट सीधा इसमें छूट निकाल सकते हैं, तो हमें इसमें माइनस करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है इसीलिए मैं कहता हूं, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो और अपने दोस्तों के साथ भी से ज्यादा इसे शेयर जरूर करना। तो जैसे हम ये निकालते हैं, प्रतिशत क्या होता है, 100 होता है, क्या होता है, 100 होता है। तो आप कैसे निकालते हैं, जैसे 260 ले लेते हैं हम, 260 गुना में इसका हम 10% निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं। तो जैसे जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम इसके अंदर, तो छूट कितनी मिली हमें इसमें, 26 रुपए। कितना, अगर 10% की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें कितना मिला, 26 रुपए मिला। अगर हम 15% की वैल्यू निकालते हैं इसमें, 15% की अगर हम इसमें वैल्यू निकालते हैं तो 260 गुना में 15 बटे कितना रखेंगे हम इसमें, 100 रखेंगे, जीरो जीरो काट देंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, इससे काट देंगे हम इसमें 13, तो इसमें 13 दिया कितना आएगा, 39 रुपए। लेकिन हम इस ट्रिक से नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक से आपको बताया जाएगा, सीधा हम उसको डिस्काउंट निकाल सकते हैं। भाई ये तो हमें छूट है, भाई हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, भाई हमें 26 रुपए की छूट मिली तो इसमें 260 में से हमें इसमें घटाना पड़ेगा, और 13 की 39 हमें इसमें कितना, 39 रुपए की इसमें हमें छूट मिली है तो इसमें हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद है आगे हमारे पास, अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो 260 गुणा में कितना रखेंगे हम, 20 रखेंगे, बटे कितना रखेंगे हम, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 26 दुनी कितना आ जाएगा, 52 रुपए हमें इसमें कितनी मिलती है, छूट मिलती है। लेकिन हमें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो अगर देने पड़ेंगे तो इस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे, तो इसमें अगर देना है तो इसमें 260 में से हमें कितना, 26 रुपए घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 26 रुपए, तो 234 रुपए हमें इसमें क्या, 234 रुपए इसमें देने पड़ेंगे। अगर इसमें से 260 में से अगर हम इसमें 39 रुपए घटाते हैं, 39 रुपए घटाते हैं तो इसमें कितना आएगा, 221 रुपए इसमें हमें देने पड़ेंगे।
और 260 में से अगर हमें 52 रुपए की छूट मिलती है तो इसमें हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो इसमें देने पड़ेंगे हमें 208 रुपए। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 208 रुपए। लेकिन हम इस ट्रिक से इसे नहीं निकालेंगे, आप सीधा डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो थी हमारे इसके अंदर छूट थी। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है, और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी आप जरूर करना। तो चलो हम अच्छी तरह से डिटेल से इसमें हम सीखते हैं। देखो हमें कितनी छूट मिलती है, 10% की छूट मिलती है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहां रखेंगे इसमें 260, और जितना भी हमें छूट मिलती है, जितनी भी हमें चीज के अंदर छूट मिलती है, उस छूट को हम 100 में से घटा देंगे। हम कितना रख लेंगे इसमें, 90 रख लेंगे, और यहां इसमें हम 0 से 100 रख लेते, इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 9 6 26 के साथ हम 9 की गुना कर देंगे, कितना आएगा, 9 6 54, 5 9 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो इसमें 234 रुपए सीधा डायरेक्ट हमें इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें 15% की इसमें छूट मिलती है, 15% की अगर हमें इसमें छूट मिलती है, तो 260 गुना कितना घटाएं, 100 में से हम 15 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास इसमें, 85 बचेगा। तो बटे कितना रखेंगे हम इसमें, 100 रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 2 10 और 17 5 85, इससे काट देंगे हम 13 2 26, तो 13 के साथ इसकी गुना कर देंगे, 17 3 51 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 17 5 22, 221 रुपए। तो आंसर वही आएगा हमारे पास, लेकिन हमें इसमें सीधा इसका हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें घटाने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें 20% का निकालना है, 20% हो कोई भी, 25%, जितना भी है, अगर हमारे पास प्रतिशत होता है तो उसको हम 100 में से घटा के सीधा इसका डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे हम एक लिखते हैं, पेंट का अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपए। कितना है, 80 रुपए है। छूट कितनी मिलती है इसमें, छूट मिलती है इसमें 10% की। तो पेंट का मूल्य ज्ञात कीजिए, पेंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और जल्दी से इसका आंसर बताना भाई। पेंट का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जिसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी जिसको हम कहते हैं, एमआरपी मैक्स टेल प्राइस होता है इसमें। छूट कितनी मिलती है हमें इसमें, 10% की। इसमें लिखेंगे हम यहां पेंट का मूल्य, तो पेंट का अगर मूल्य निकालना हमें तो सीधा हम क्या करेंगे, और जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाना इसका आंसर जल्दी से आप जरूर देना। तो हम क्या रखेंगे, 80 गुना में जितना भी अगर हमारे पास जितना परसेंटेज होती है उस परसेंटेज को हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसमें कितना दिया गया है, 10% दिया गया, तो 10% को 100 में से घटा देंगे, 90 बचेगा। बटे हम क्या रख लेंगे इसके अंदर, 100 रख लेंगे, इस 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 के साथ हम 0 को कैंसिल कर देंगे, 9 8 कितना आएगा, 72 रुपए हमें इसका पेंट का मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों अगर डिस्काउंट छूट के बारे में वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी सही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, जितने वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, थैंक यू।